और दक्षिणी अमेरिका के देश पराग्वे में शनिवार को एक विमान दुर्घटनाग्रस्त हो गया है। इस हादसे में एक सांसद समेत 4 लोगों की मौत हुई है। स्थानीय पुलिस ने ये जानकारियां दी है। पुलिस के अनुसार विमान संसुयन से लगभग 180 किलोमीटर दूर उड़ान भरने के बाद दुर्घटनाग्रस्त हुआ। इस विमान में सत्तारूढ़ कोलोराडो पार्टी के सांसद वाल्टर हाम्स और उनकी टीम के 4 लोग सवार थे और हादसे में उनकी और अन्य 3 लोगों की मौत हुई है। पराग्वे के उपराष्ट्रपति पेड्रो एलियाना ने इस घटना पर दुख जताया है। उन्होंने सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म एक्स पर लिखा कि मुझे अपने सहकर्मी और मित्र वाल्टर हाम्स के निधन पर दुखी खबर मिली है। मैं उनके प्रति गहरी संवेदना व्यक्त करता हूँ।